और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को तेलंगाना सरकार ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। इस मामले पर तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने कहा है कि पाकिस्तान की बहू तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकती है। इस मामले पर सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर पोस्ट लिखकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। सानिया ने लिखा है कि जो लोग दूसरों से नफरत करते हैं, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनसे शादी हुई है सानिया मिर्जा की, और इसी बात को लेकर, इसी वजह को एक तरह से मुद्दा बनाया है बीजेपी ने और कहा कि तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बनाना गलत है क्योंकि वो पाकिस्तान की बहू है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी बहू है सानिया मिर्जा, इसी वजह से उन्हें तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाए, ये कहना है बीजेपी का। धर्म के आधार पर नहीं है आपत्ति, यानी कि उनके धर्म को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति की बात नहीं की है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान की बहू है, शोएब मलिक की पत्नी है वो जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इसीलिए बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है। हैरानी की बात है इस तरह की बात आज के समय में भी अगर किया जाता है तो। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने भी जताया है एतराज इस पूरे मुद्दे पर। और बीजेपी की इस आपत्ति के बाद सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया है, क्या कुछ लिखा है सानिया मिर्जा ने आपको हम बताते हैं। सानिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूं जो दूसरों से नफरत करते हैं और अपने मन से नफरत, ये कहा है सानिया मिर्जा ने। नहीं निकाल सकते अपने मन से नफरत, अल्लाह उन पर रहम करे। और हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने बात की है कांग्रेस नेता हनुमंत राव से, उन्होंने भी इस बात का, यानी कि सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का विरोध किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लेकर विवाद हो गया है, हमारे साथ हैं हनुमंत राव। सर ये बताइए कि तेलंगाना में क्या सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के विवाद है। आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान में उनकी शादी हुई है इसलिए उनको नहीं होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात आंध्र वाले बोल रहे हैं कि क्यों बोले तो इन्हें फीस रीएम्बर्समेंट स्टूडेंट्स का जो निर्णय लिया 56 से पहले जो थे उनको ही देंगे, 56 के बाद जो बच्चे फैमिली आए उनको हम कंसिडर नहीं करते। कंसिडर करें तो हमारे तेलंगाने बच्चा बच्चियों का अन्याय होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे बोल के उनका विवाद है। सेम बात आज बोल रहे हैं आंध्र वाले, भाई जब चीफ मिनिस्टर इतना कठोर निर्णय ले रहा फीस रीएम्बर्समेंट का, जब एम्बेसडर जो सानिया मिर्जा का हस्बैंड है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान में ज़्यादा आते रहती जाते थे, पाकिस्तान को दिए सो इम्पोर्टेंस आंध्रा को नहीं देते, क्या बोल के पूछ रहे। ये विवाद पे मैं बराबर चीफ मिनिस्टर से पर्सनल मिले सोकर मैं बात करूँगा। क्या आपको लगता है कि सानिया मिर्जा ने तेलंगाना के लिए कुछ खास नहीं किया? नहीं, तेलंगाना के लिए कभी तो मैं तो नहीं देखा, तेलंगाना के वास्ते कभी बात नहीं करी, तेलंगाना के वास्ते कोई मसला में पार्टिसिपेट नहीं करी, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। तेलंगाना वास्ते कभी शी हैज नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट। पाकिस्तान में उनकी शादी हुई इस बात को लेकर के भी तेलंगाना के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में शादी हुई नहीं होना चाहिए उनको? नहीं, तेलंगाना के लोग, हमारे आंध्रा के लोग ये बोल रहे हैं भाई जब इतना कठोर निर्णय ले रहे 56 से पहले ही जो बच्चे यहाँ हुए उनको ही देंगे, 57 के बाद जो बच्चे आएंगे उनको फीस रीएम्बर्समेंट दिए तो हम क्या अन्याय करें? कल तक हम भाई बंदी के साथ थे, एक फैमिली के साथ थे, आज डिवाइड हुआ, डिवाइड होते ही हमारे साथ इतना कठोर निर्णय लिए तो पाकिस्तान में ये लेडी शादी करने के बाद उनको कंसिडर करें तो हम क्या बुरा करें बोल के ये बात उन लोगों का बोलने का मसला है, उनकी भी ये इच्छा है। तो चीफ मिनिस्टर से आप भी बात करो इस बातों में, मैं बात करूंगा। आपने सुना कि हनुमंत राव जी का कहना है कि सानिया मिर्जा ने तेलंगाना के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कभी कोई साथ नहीं दिया, इसलिए वो इस बात के समर्थक हैं, उनको लगता है कि सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।